आजादी के अमृत महोत्सव एवं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में 80 हेल्थ वर्करों को प्रशस्ति पत्र एवं टीवी व कुष्ठ बीमारी से ठीक हुए ग्रामीणों को प्रोटीन किट देकर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए BDO विष्णुदेव कच्छप ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बल पर ही कोविड टीकाकरण का कार्य जन जन तक पहुंच सका है, जिसे आज हम सभी कोरोना महामारी से सुरक्षित हैं और आगे भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कारण ही सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण व प्रसव जैसे स्वास्थ्य कार्यों से लेकर जीवन रक्षा के लिए चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद किशोर एक्का, जिप सदस्य तेंबू उरांव, घाघरा के पूर्व मुखिया योगेंद्र भगत ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता दूर करने को लेकर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर निधि आनंद, डॉक्टर फरजाना, BPM ज्ञान रंजन, BTT बबीता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि अनिल प्रसाद, मुखिया गीता कुमारी, पूर्व मुखिया योगेंद्र भगत, स्वास्थ्य सहिया साथी, ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। अच्छी उपलब्धि हासिल की, अभी भी बहुत सा काम बाकी है। मैं विगत कार्यों को थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जो टीकाकरण के समय जब कोविड शुरुआती दौर में जो जांच हो रहा था, टीकाकरण तो बाद में आया, उस समय से लेकर के लगातार आपका काम जो है सराहनीय रहा है और ये चुनौतीपूर्ण भी रहा है। इस काम में विशेषकर जो दीदी लोग दूर दराज जो जा करके गांव-गांव में जो वैक्सीन देना पड़ता था या जांच करना पड़ता था, आप घर का काम को निपटा करके हॉस्पिटल 9 बजे तक पहुंचना, फिर यहां से फिर जहां टीकाकरण स्थल बनाया गया है, केंद्र बनाया गया, वहां तक जाना, फिर पुनः लौट करके जमा करना, फिर घर जाना। सचमुच ये कहना तो बहुत आसान है। हम लोग मॉनिटरिंग करते थे, डांटते थे, लेकिन बहुत टफ जॉब।